ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। तो सुनिए, तीन सिफात कयामत के दिन का बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कयामत के दिन क्या होने वाला है और वही होने वाला है जो अल्लाह ताला ने बताया। सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 38, तवज्जो फरमाइए, फरमाया कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। कुल्लु नफ्सिन, ये बात आपने सुनी हुई है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ठीक है। हर नफ्स यानी हर रूह, हर जान, हर इंसान बाद में है ज़ाइक़तुल मौत, मौत को चख के रहेगा, और याद में है मौत को चख के खत्म नहीं हो जाएगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर इंसान ने जो कुछ किया है दुनिया में उसके बदले में वो गिरवी है। गिरवी समझते हैं, किसी चीज को रहन रखते हैं, अल्लाह के पास गिरवी है। इल्ला असहाबल यमीन, सिवाय दाएं हाथ वालों के। दाएं हाथ वाले कौन है? खुद कुरान ने बयान किया हुआ है, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, तो जिसको उसका आमालनामा उसकी किताब दाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी, فَيَقُولُ هَاؤُمُ كِتَابِيَهْ, तो वो पुकार पुकार के अहले महशर से कहता फिरेगा, मेरी किताब को पढ़ो, मेरे नंबर देखो, मैंने जो दुनिया में किया है उसका रिजल्ट क्या निकला है देखो। इतनी बदन तो अंतिम मुलाकात हिसाब किया, मुझे गुमान था कि मेरा हिसाब होना है, तो मैंने उसी तरह जिंदगी गुजारी। बस इल्ला असहाब अल यमीन, हर नफ्स अपने कामों के बदले में गिर भी है सिवाय दाएं हाथ वालों के। अब अल्लाह मंजर दिखाता है जन्नत, कुरान में तस्वीर कशी की गई, ये असहाबे यमीन आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे होंगे, अल्लाह ताला हम सब को उनमें से करा दे, और जिनके बारे में गुफ्तगू कर रहे होंगे अल्लाह हमें उनमें से करा दे। क्या गुफ्तगू कर रहे थे मुझे बताइए। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला असहाबल यमीन फी जन्नातिन, जन्नतों में यतसाअलून, एक दूसरे से सवाल कर रहे। अब आप सवाल को गौर करें, ये सवाल उनके बारे में कर रहे होंगे जिनको जानते हैं, जिनको जानते तो थे लेकिन वो उनको जन्नत में नजर नहीं आ रहे होंगे। फी जन्नातिन, जन्नतों में यतसाअलून, एक दूसरे से सवाल कर रहे होंगे, किनके बारे में? अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों के बारे में। ये मुजरिम कौन है? ये वो है जिनको ये जानते थे लेकिन चूंकि जन्नत में नहीं है, ये समझ चुके हैं कि ये लोग ठीक लोग नहीं, पकड़े गए, जन्नत में नहीं बुलाया गया, क्योंकि जन्नत के जो बारे में जो अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान में, एक ही है कि अल्लाह ताला सारे दोस्तों को, बेलियों को, यारों को एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बिठाए ताकि एक दूसरे से गपशप कर सके, दुनिया के अपने पुरानी यादों को ताजा कर सके कि वहां पर क्या क्या मुश्किल पेश है। तो जब ये मिलेंगे तो कुछ लोगों को नहीं देखेंगे वहां पर, तो फिर एक दूसरे से सवाल करेंगे, फलाना नहीं, फला नजर नहीं आ रहा, फला नजर नहीं आ रहा, अरे मुजरिमीन, मुजरिमों के बारे में इनसे सवाल करें। इसके बाद अगला जुमला है, अगली आयत है, मा सलककुम फी सफर, तुम्हें क्या चीज जहन्नम में लेकर आई है? यानी बीच से अल्लाह ने कुछ बातें हस्त कर दी है और गोया इन जन्नतियों ने जब सवाल किया तो पता, जन्नत में तो जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। जैसे इन्होंने एक दूसरे से सवाल किया, अल्लाह ने इन्हें वो अपनी जगह पर दिखा दिए जहन्नम, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। इनको नजर आना शुरू हो गए, न सिर्फ ये कि नजर आना शुरू हो गए बल्कि इनसे बात भी कर सकते हैं,
से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा दिया। इन्होंने डायरेक्ट उनसे सवाल किया, मा सलकतुम फी सकर, क्या चीज तुम्हें यहां लेकर आई? हम तो इकट्ठे रहते थे दुनिया में, क्या चीज तुम्हें जानना में जाने का सबब बनी है? और यहां से जानवियों का जवाब शुरू हुआ। तीन चीजें मैंने अर्ज कर दी। सबसे पहली चीज जो जहन्नमी खुद अपनी जुबानों से जन्नतियों को बताएंगे, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह, और आप पूछने वालों के होंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये मेरी बात सुन के उन तीन सिफात पे गौर कर तवज्जो फरमाए, माशाल्लाह का तुम फी सता, तुम्हें क्या चीज जहन्नम में लेके आई? सबब नंबर, रीजन नंबर वन, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में नहीं थे, हम नमाजियों में शामिल। अब वो लोग थे जो दिन में पांच मरतबा खुदा बुलाता था, हम कहते थे नहीं है, नहीं है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारे गांव में किस किस्म के जोक सुनाए, वरना हलाल
जोक करना, लतीफा सुनाना, हंसना, दोस्तों को हंसाना। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह युहिब, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, अल्लाह को अच्छा लगता है। सुन के सड़े हुए लोग अल्लाह को अच्छे नहीं लगते, तवज्जो फरमाए, मिजाज करें। और हमारे आइम्मा से रिवायत में मिजाज के वाकयात आए, रसूल अल्लाह और मौला अली के दरमियान मिजाज के वाकयात आए। खजूरें खाई जा रही थी और रसूलुल्लाह अपनी गुठलियां भी मौला अली की साइड पर डालते जा रहे थे। और जब मसलन थोड़ी देर हुई तो फरमाया कि किसने ज्यादा खाई, तो मौला ने फरमाया समेत किसने खाई। ये भी देखा जाए कि मसलन ये मिजाज सबको मालूम है, मिजाज कोई मसला नहीं। एक मौला अली पर एतराजों में से एतराज ये था कि ये मिजाज करता और खलीफा को मिजाज नहीं करना चाहिए, मतलब की धूल पड़नी चाहिए। तो वजह पर बात एक सवाल पढ़ दो, और ये जो तीन काम है ये असल में क़यामत को झुठलाना था, जैसे मैंने आपको सूरह अल-मौत की आयत बताई। अब क़यामत को झुठलाया कब तक ऐसा होता रहा? हत्ता अताना यकीन, यहां तक कि हमें मौत आ गई। यकीन यहां पर मुराद मौत, क्योंकि अगर यकीन से मुराद दुनिया में यकीन होता तो ये छोड़ चुके होते, तौबा कर लेते और इस्लाह कर जाते। हत्ता अताना यकीन, मौत को यकीन क्यों कहते हैं? इसलिए कि आग के सारे शकों को शुबात दूर कर देती है, सारे शक शुबे दूर कर देती है और बकौल हमारे पंजाबियों के चादर कर देती है। ठीक है, कुरान के लफ्जों में फकशफना अन्का गिताअक फबसरुकल यौमा हदीद, आज हम तेरी आंखों से ऐसे पर्दा हटाएंगे कि तेरी आंख वो कुछ देख लेगी जो दुनिया में उसको नजर नहीं आता। हत्ता अताना यकीन, याद तक कि हमें मौत आ गई। अब देखिए मैं बात को तमाम कर रहा हूं, ये तीन सिफात दो होनी चाहिए एक नहीं होनी चाहिए, नमाज होनी चाहिए, मिस्कीनों का ख्याल होना चाहिए महरूम तबके का, और फजूल कामों में फजूल गप्पों में बैठ कर जिंदगी जाया करना ये काम नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह सारे सुनने वाले अगर कोई ऐसी महफिल है उसे जरा कट शॉर्ट करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे और कोशिश करेंगे उसमें जरा की बातें भी फजूलियात की जगह उनको रिप्लेस किया जाए। दो होनी चाहिए एक नहीं होनी चाहिए, तवज्जो फरमाए। लेकिन इन तीन सिफात के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है, और ये अल्लाह नहीं फरमा रहा 100%, 12 और 14 भी यही फरमा रहे हैं कि जो इन तीन सिफात के बारे में ये मामला लेकर आएंगे, फमा तनफउहुम शफाअतुश्शाफीन, इनको बता दो ऐ रसूल क़यामत के दिन शफाअत तो होगी लेकिन इन सिफात वाले